उत्तर प्रदेश अमेठी आरओ के जितने भी भाई हो ना, वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और एक ही कमेंट बस बार बार कर रहे थे, जैसे बार बार पूछ रहे थे यार हमारी भर्ती कब आएगी, आप लोगों की भर्ती बनारस की तो आ गई। तो आप लोगों को तो पता ही है यार, अभी हम लोगों का भर्ती बस आया था, जैसे डेट तो बहुत पहले ही पता चल गया और ऑनलाइन भी हम लोग का सब कुछ हो गया। 21 तारीख तक था, 21 अगस्त तक, और जैसे ही भर्ती नज़दीक आया ये भी डेट कन्फर्म हो गया था कि 6 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच में हम लोग का भर्ती मतलब करा दिया जाएगा। तो सब कुछ कन्फर्म होने के बावजूद भी हम लोग जैसे अपना रेस भी, हमारे ग्राउंड के जितने भी भाई हैं सब बहुत मेहनत करने कर करके यार रेस बना लिए थे सब कि हाँ अगले महीने में रेस मार दूंगा। लेकिन पता है जैसे ही डेट मतलब नज़दीक आया, ऑनलाइन का डेट ख़त्म होने वाला था, एडमिट कार्ड निकलने वाला था, वैसे ही न्यूज़पेपर में निकल गया कि हम लोग का भर्ती पोस्टपोन्ड हो गया। तो देखो यार भाई, जितने भी भाई आप लोग अमेठी आरओ से हो ना या बरेली आरओ से हो, तो आप लोग टेंशन नहीं लो। जैसे देखो अभी हम लोग का भर्ती का तो आप लोग को पता है, सब कुछ मतलब होने के बावजूद भी जब टल गई तो देखो हम लोग के हाथ में है ही क्या यार। अभी देखो हम लोग अपना ग्राउंड पर तैयारी करने आते हैं तो कोई आवाज़ भी उठाते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जहाँ तक पहुँचना चाहिए ना वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। और कोई वैसे जैसे अगर गाना गाकर, या आप लोगों को बहुत सारा मतलब वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग देख ही लिए हो, जो गलत काम कर दे रहे हैं सब या गाना गा दे रहे हैं सब, तो मिलियन मिलियन में व्यू और पूरा भारत जानने लगा, भारत क्या यार मतलब दूसरे देश के भी जानने लग रहे हैं सब, और हम लोग कोई आवाज़ उठा रहे हैं थोड़ा सा मतलब कुछ हो रहा है। अभी हम लोग एज को लेकर इतना ज़्यादा आवाज़ उठाए थे, मतलब कोई ऐसा जैसे यूट्यूब वाला न्यूज वाला तो नहीं कोई आवाज़ उठाएगा, इतना तो मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोगों का बात है बस जितने भी भाई तैयारी करते हैं वही जानेंगे सब। और जिन लोगों का फौज में ज्वाइनिंग हो चुका है, जो लोग इस रास्ते से गुजर चुके हैं कि हाँ फौज की तैयारी कैसे की जाती है, वो लोग समझेंगे और वो लोग सुनेंगे, बाकी न्यूज़ चैनल वाले नहीं सुनेंगे। तो यार बस हम लोग के हाथ में इतना ही है कि जब भर्ती आएगी तो मतलब हम लोग जैसे हाँ बता सकते हैं कि हाँ ये भर्ती आ चुकी है। और बाकी देखो सरकार की भी कुछ गलती है, देखो ऐसा नहीं है कि सरकार की अगर गलती नहीं रहती ना तो ये चुनाव उनाव हो जाता और हम लोग का भर्ती आने पर पोस्टपोन नहीं कर दिया जाता। देखो कुछ तो गलती है और ये तो हम लोग के साथ गलत हो रहा है। और जितने भी भाई आप लोग तैयारी कर रहे हो ना अमेठी आरओ के, देखो हम लोग का जैसे अभी तो मान लो अक्टूबर नवंबर तक बोल रहे हैं सब, जैसे कोई भी हमारे जैसे फौजी भाई हैं सब जिन लोग का ज्वाइनिंग हो चुका है तो फ़ोन आता है तो उधर बोलते हैं सब कि अक्टूबर नवंबर तक जिस डेट को आप लोग की भर्ती होती थी उसी डेट को कराई जाएगी। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देखो हम लोग का अगली डेट कब तक आता है। अभी तो पोस्टपोन्ड हो चुका है, जैसे ही देखो हम लोग का कन्फर्म हो जाएगा ना, हमें लगता है जैसे हम लोग का कन्फर्म हो जाएगा ना तो आप लोग जितने भी अमेठी आरओ के हो आप लोग का भी डेट आ जाएगा। तो आप लोग जैसे ही आएगा बता दूंगा यार, आप लोग परेशान नहीं हो, अभी आप लोग वार्म अप करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप लोग का डायरेक्ट भर्ती आएगा तो डायरेक्ट आप लोग रेस बनाकर और रेस मार दोगे। और आप लोग सभी लोग मिलजुल कर देखो, हमारे आरओ की जब भर्ती नहीं आ रही थी ना तो अब धीरे धीरे धरना प्रदर्शन करना मतलब हर जगह शुरू कर दिए थे सब, तो तसल्ली के लिए भर्ती तो आई लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई। तो आप लोग भी आवाज़ उठाओ और सरकार तक ये पहुँचाओ कि हमारी भी भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे भाई जीडी का एज ही ख़त्म हो गया, बस हमारे ग्राउंड से नहीं सभी लोगों के ग्राउंड से। तो आप लोग आवाज़ उठाओ, नहीं तो ओवर एज होने के साथ साथ भर्ती भी नहीं आएगी, 2020 जैसे गया 2021 भी चला जाएगा। तो आप लोग मिला जुला कर बस एक ही बात कहना है, सभी लोग मिलजुल कर आप लोग आवाज़ उठाओ, अमेठी आरओ हो या बरेली आरओ हो, तभी आप लोग का भर्ती का कुछ पता ठिकाना चलेगा। सरकार तक ये बात पहुँचा दो कि हम लोग भी, हम लोग देश के गद्दार नहीं है, देश के दुश्मन नहीं है, हम लोग भी देश के बारे में कुछ सोचते हैं, तो तभी सरकार कुछ हम लोग के बारे में सोचेगी। अगर आप लोग ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद।